छतरपुर कांड में बागेश्वर सरकार की एंट्री हो गई है। बागेश्वर सरकार के बयान पर सियासत भी अब उबाल मारने लगी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया कि गलत करोगे तो छत से घर जुदा हो ही जाएगा, जिसे लेकर अपूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने बागेश्वर सरकार को नसीहत दी है। देखिए खास रिपोर्ट। छतरपुर पुलिस थाने में पथराव के आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई पर सियासत जारी है। मामले में बीजेपी कांग्रेस के अलावा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की भी एंट्री हो गई है। बागेश्वर सरकार ने शासन की कार्रवाई को उचित बताते हुए कहा था कि गलत करोगे तो छत से घर जुदा हो ही जाएगा। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर कांग्रेस ने संविधान के बहाने सियासी हमला करते हुए नसीहत दी है। निश्चित रूप से ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। कानून के रखवाले हमारी रक्षा करते हैं और हम उनको ही अगर असुरक्षित कर देंगे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कृत्य करेंगे, इससे ये दर्शाता है कि अशिक्षा का भाव है। जो भी अशिक्षित होता है वो विवाद करता है, जो शिक्षित होता है वो संवाद करता है। दूसरी बात, इस देश में, हमारे भारत में सबके पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया, तो संविधान के साथ साथ उस संविधान के कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हम सबकी भी है। दूसरी बात, हम ये कहना भी चाहेंगे, भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है, यहाँ शांति से वार्तालाप किया जा सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, उन्होंने सहनशीलता भी दिखाई और कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। धन्यवाद। कार्रवाई होना चाहिए अगर खाकी पर हमले होते हैं इस तरीके से जो करते हैं। बेझिझक, देखो वो हमारी रक्षा में, जैसे ये लोग रक्षक हैं, अगर रक्षक के ऊपर कुछ हो जाएगा तो ये जिसकी रक्षा में है उसका क्या होगा। तो हमारे कानून के रक्षक हैं, वो पुलिस की वर्दी हमारे इस देश के कानून की रक्षक है, तो निश्चित रूप से वो सुरक्षा में रहेंगे तब तो हम लोग सुरक्षा में रहेंगे, और वो ही अगर नहीं रहेंगे तो हम लोगों की रक्षा कौन करेगा। धन्यवाद। आज का किस तरह का कार्यक्रम है? मामले में कांग्रेस पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि देश में अंबेडकर का संविधान चलेगा, धर्म के अंदर किस बात को क्या करना चाहिए और किस तरह के भाव को लाना चाहिए इसे समझें। संविधान पर रोज हमले किए जा रहे हैं, तालिबान की तरह नफरत के साथ नहीं चलेगा। धर्माचार्य का काम होना चाहिए कि कैसे धर्म प्रेम के भाव को बताए। शास्त्री जी भगवान हनुमान जी को आराध्य मानते हैं, हनुमान जी के उस भाव को समझने का काम करें। धीरेन्द्र शास्त्री जी धर्माचार्य, और मुझे लगता है कि धर्म के अंदर किस बात को क्या करना चाहिए और किस तरह के भाव को लाना चाहिए वो अपनी जगह। इस देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान के ऊपर रोज हमले करे जा रहे हैं, रोज तांडव करा जा रहा है। ये देश बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान से चलेगा, न तालिबान की तरह नफरत के साथ चलेगा। और धर्माचार्यों का काम होना चाहिए कि कैसे धर्म के उस प्रेम के भाव को बताएं। शास्त्री जी भगवान हनुमान जी के आराध्य माने जाते हैं, पर हनुमान जी के उस भाव को समझने का काम करें। कृष्ण के उस भाव को जो प्रेम का भाव था, नफरत का भाव नहीं था, राम का वो भाव जिसमें उन्होंने रावण से भी नफरत नहीं करी थी, तो इस भाव को समझें। इसमें विमनस्ता फैलाने की जगह मूल मुद्दों की बात करने का काम करें, और मुझे लगता है धर्माचार्यों का काम होना चाहिए धर्म के प्रेम के भाव को, अच्छे भाव को बताने का काम करना, ना कि इधर उधर की बातें। वहीं छतरपुर की घटना को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि जिस तरह घर को तोड़ा गया और गाड़ियों को कुचला गया वो संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस नेताओं को बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ खड़े होना चाहिए। देखिए छतरपुर में जो हुआ दोनों घटनाएं अफसोसनाक है, थाने में जो उपद्रव हुआ वो भी कहीं ना कहीं बहुत अफसोसनाक है कि थाने में इस तरह की बदतमीजी हुई, जो बताया गया, जो वीडियोज आए, जो फुटेज आए। लेकिन उसके बाद पुलिस उन पर मुकदमा दर्ज करती, हम सहयोग करते। पुलिस उनकी गिरफ्तारी करती, हम सहयोग करते। पुलिस वहाँ पर इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि जो उससे ज़्यादा उपद्रवी से ज़्यादा माहौल पुलिस ने ख़राब कर दिया कि अगर इस तरह हो गया। और उसके बाद एक मकान को, दूसरे मकान को टारगेट किया, 20,000 स्क्वायर फीट का बना हुआ मकान जिसकी अनुमति है, बैंक से लोन है, तमाम उसकी परमिशन है, उसको बिना कारण तोड़ दिया। और देखिए जिस तरह से फुटेज है कि गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियाँ अभी हटाने का मौका नहीं दिया, तो ये तो बिल्कुल संविधान का खुला मजाक है।
और इस पर मेरे को बहुत अफसोस हुआ और मैंने कल चीफ मिनिस्टर साहब से बात करना चाहिए, लेकिन उनके यहाँ कॉल पे बात हो नहीं पाई, समय दे नहीं रहा। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का ये हाल है कि ऐसे मामलों में उनके यहाँ से जब भी जवाब मांगा गया है कि हम लोग मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ना कोई रिप्लाई होता है, ना कोई बात करने को तैयार है। तो ये प्रदेश संविधान के दायरे से चल रहा है या किधर चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। और मैं तो कांग्रेस के नेताओं को भी कहूँगा, जीतू बटवारी जी को और उमंग सिंगार को, कि उनको तत्काल आगे आना चाहिए, ये बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ खड़े होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यायपालिका का औचित्य और लोकतंत्र संविधान ही खतरे में आ रहा है। और उसके बाद हमारे दोनों नेताओं से मैंने कहा है कि आपको तत्काल इसमें आगे आके भाग लेना चाहिए और ये इसमें खड़े होना चाहिए, जो गलत हुआ उसका गलत कहना चाहिए। किसने बोला? विधायक रामेश्वर शर्मा। वो कुछ भी बोले, मैंने उनको तो लिखा नहीं है, चीफ मिनिस्टर को लिखा। चीफ मिनिस्टर बोल दें कि एक विधायक पत्र नहीं लिख सकता, ये शब्द जो वो विधायक जी कह रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर कह दें, चीफ मिनिस्टर कह दें, चीफ सेक्रेटरी कह दें, डीजीपी कह दें, फिर उसका जवाब हम देंगे। कुल मिलाकर छतरपुर की घटना को लेकर लगातार सियासत गर्माती ही जा रही है। कांग्रेस लगातार मोहन सरकार की कार्रवाई पर भेदभाव के आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।